सो कैसे हो आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने ट्राई करा था करने का स्पीड रन, बट एक लावा के चलते हम स्पीड रन को करने में फेल हो गए। बट आज हम लोग एक और बार ट्राई करेंगे करने का स्पीड रन। और इस बार अगर ना सच्ची में स्पीड रन में मैं मरा तो भाई मैं कसम से डिलीट ही कर दूंगा माइनक्राफ्ट सच्ची में। डिलीट वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड डिलीट कर देता हूँ पहले। एक सेकेंड, दोबारा खोलो माइनक्राफ्ट। ओके हाँ हाँ, उसी सीट में करने वाले स्पीड रन 999 सीट में, क्योंकि वो बेस्ट स्पीड रन सीट है जो कि मतलब यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द स्पीड रन को करने के लिए। ठीक है, तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड, माय वर्ल्ड स्पीड। ठीक है, सर्वाइवल बोनस चेस्ट, शो कोऑर्डिनेट्स, सिमुलेशन चंक्स, क्रिएट। अगर आपको जानना है कि मैं कितने देर में स्पीड रन कर सकता हूँ तो फटाफट से कोई फ़ोन लाइए या फिर कोई क्लॉक ले आइए या फिर कोई स्मार्ट वॉच ले आइए जिसमें टाइमर हो, उसको कर देना चालू जब मैं कहूँगा स्टार्ट। ओके तो ओके, बस मैं हमारा वीवर जनरेट होने ही वाला है। 3, 2, 1 आप लोग टाइमर को कर सकते हैं स्टार्ट। है अभी ये कैसे सीट में आ गए, 999 सीट है ना, पे मैंने सीट तो डाली ही नहीं, सीट डाली ही नहीं भाई मैंने। वाह, ताली भाई ताली मिले। फड़ा हो जो मैं एक सीट डालता हूँ बहुत प्यारी सी जो कि है 999, और फिर क्या देखते हैं, मतलब स्पीड रन करते हैं फिर स्टार्ट। ओके गाइस, तो मैंने फिलहाल के बोनस चेस्ट ऑन कर ली थी, तो मैंने बोनस चेस्ट का सारा सामान ले लिया है। और हाँ, मैं आपको गाइड भी करते रहूँगा कि कहाँ कहाँ विलेज है, कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, आप अगर पानी के थोड़ा सा इधर को जाएंगे तो आपको मिलेगा एक विलेज, यानी कि जो इधर वाला फॉरेस्ट है, आप वहाँ पर स्पॉन होंगे तो उसके इसी दे आज को आ जाना है और चलते रहना है बस। अगर आपको ये ओक लॉक्स का ढेर दिखे तो मतलब आप बिल्कुल जा रहे हैं सही। अब इस सीट में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होता है। इस सीट में होता है एक विलेज जो कि हम वहाँ से बहुत सारा फूड ले सकते हैं, और तो और आयरन गोलम घुमा के आयरन कलेक्ट कर सकते हैं। इस विलेज के थोड़े पास में होता है एक प्रेजर आउटपोस्ट जो कि होता है निशानी लावा पूल की के लिए, मतलब उसके सबसे पास में ही एक आपको बहुत प्यारा सा नेदर पोर्टल बनाने के लिए लावा पूल मिल जाएगा। ठीक है, तो लावा पूल मिल जाएगा, तो उससे पहले आप विलेज में आके सारा का सारा हेवेल और सारे के सारे एनिमल्स को मार लीजिएगा। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एनिमल्स को ना मार के सारा हेवेल ही लें, क्योंकि अगर आप एनिमल्स को मारेंगे तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप पूरा फूड को स्मेल्ट करें और फिर फर्नेस बनाएं, है ना। तो इसलिए आप हेबेल ही प्रेफर करूँगा कि आप उसी को लीजिए। पर तभी भी अगर हेबेल विलेज में कम हुआ तो मैं एक्स्ट्रा फूड के लिए थोड़ा सा पॉक चॉप और वो गाय का मीट ले रहा हूँ, और फिर यहाँ से फटाफट से सारा हेबेल आपको ले लेना है, और फिर बिना किसी देरी के आपको सीधा से सीधा सारे घरों के अंदर जाके ले लेने हैं। क्या यानी कि बेड्स, बिकॉज बेड्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। ठीक है, तो मैंने फिलहाल एक बेड तो ले ही लिया था पीछे वाले घर से,
एक और बेड ले लेते हैं इस वाले घर से। और आपको अपनी इन्वेंट्री का ध्यान रखना होगा कि क्या वो फुल हो गई है या फिर नहीं। और मैं ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए और मैं बीट रूट को ट्रेड करके एमरल्ड ले लूँ और एमरल्ड को ट्रेड करके ब्रेड को ले लूँ, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल तो मैं सारे के सारे यहाँ से पोटैटो भी ले लेता हूँ, इसी बहाने ना आयरन गोलम को भी मार लेंगे, ठीक है। तो चल आ जा ब्रो, आ जा। एक दो, ओ शिट, अरे बाबा। कोई बात नहीं गाइस, इतना तो होता है, हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम एक और बार बनाएंगे, 1000 बार बनाएंगे, बट स्पीड रन करके दिखाएंगे। भाई एक बार तो मेरे को अपनी पूरी माइनक्राफ्ट हिस्ट्री में स्पीड रन करना ही है भाई, चाहे मैं कुछ भी करूं, बट करना तो है ही मुझे। 999 क्रिएट, और तो और मैंने इस बार नहीं ली है क्या बोनस चेस्ट, क्योंकि यार ऐसा करते हैं इस बार हम खुद से ही मतलब सारा का सारा सामान लेते हैं, मतलब क्योंकि उससे क्या होता है हमें ना थोड़ा सा पिकैक्स वुडन एक्स मिल जाते हैं, बट इस बार तो हम खुद से ही लेंगे। जल्दी टूट, जल्दी टूट, मेरे को बस थोड़े से ही लॉक चाहिए, बिकॉज मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल, स्टिक्स और कुछ नहीं, सिर्फ वुडन पिकैक्स और एक एक्स बनानी है आयरन गोलम को मारने के लिए। फटाफट से मैंने सारे का सारा यहाँ से लॉक भी उठा लिया है, इसी बार ने रास्ते में चलते चलते एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेंगे और स्टिक्स बना के हम फिलहाल चलते हैं फटाफट से विलेज में किसी बिना किसी देरी के। और जैसे 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 हम बात करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारा स्वीटर भी होते जा रहा है। और भाई कैसे क्या मस्त टाइमिंग पे विलेज भी मिल गया हमें। ओके तो जल्दी खोलो, बैट चुराओ और जल्दी भागो, इसे थोड़ा जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ो, अंदर ही यहीं से घुस जाएंगे। इसे रखा यहाँ पे और सारा का सारा फूड ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और है फूड, इसे मैंने तोड़ा और इसे लगा दी यहाँ पे, यहाँ पे लगा देता हूँ। और भाई इस जगह पे बहुत सारा हेबेल पड़ा हुआ है, भाई ये उड़ कैसे रही है पिग, जादुई भाई, काओ भी उड़ने लग गई, मस्त। चलो अच्छा है वो अपनी मम्मी से मिल गई, इन पापी विलेजर्स ने उन्हें बंद करके रखा हुआ था, अपने मम्मी पापा से दूर कर रखा था उन बेचारों को। फिलहाल तो मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ और यहाँ का भी बेड ले लेता हूँ, ठीक है बेड ले लिया, अब फटाफट से बाहर चलो। हट, नहीं नहीं नहीं, शिट शिट, देख गया गया भाई गया, मैंने अभी कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर रखा भाई, अभी नहीं आ, थोड़ी देर में आ जाइयो भाई, थोड़ी देर में आ जाइयो मैं कह रहा, रुको अभी घर के अंदर चलता हूँ, घर के अंदर नहीं आ सकता ये। और ना यहाँ पे यहीं पे मैं ना एक रिस्पॉन्ड पॉइंट भी सेट कर देता हूँ, ताकि अगर बाय चांस वो मुझे मार दे तो मैं क्या करूँ यहीं पे रिस्पॉन हो जाऊँ, ताकि मुझे अपना सारा का सारा वैल्यूएबल सामान खोए ना, मतलब मेरा है ना। और बाकी फिलहाल तो मैं एक हेबल को बचा के रखूँगा एमएलजी करने के लिए। और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और इससे बना लेता हूँ एक वुडन एक्स और एक पिक एक्स, बाकी तो इससे सारा ब्रेड बना लेता हूँ मैं। जल्दी 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 हो, जल्दी हो यार, इसमें ऐसा नहीं होता ना कि दबा के रखो और सारा खुद ही से क्राफ्ट हो जाएगा। ओके तो 48 ब्रेड भी मेरा हो चुका है और अब मैं रेडी हूँ फुल उसको मारने के लिए। अरे बाबा
शेट मैंने बैठ के दौड़ा भाई, ये बहुत खतरनाक है। ओ शेट, जाना जल्दी, तेरी वजह से मर रहा हूं मैं बेटे। रिस्पॉन्स पॉइंट तो सेट ही है ना। ओके, तो मेरे पास 3 लॉक्स भी हैं। और फटाफट से भागो, मैंने यहाँ रिस्पॉन्स पॉइंट हमने सेट कर रखा है 1, 2, 3, 4, 5। आ जा बेटे, अब मार के दिखा, बहुत मार रहा था ना मुझे, अब मार मार मार, अब क्रिटिकली क्रिटिकल बजाते रहूँगा इसके। कहाँ से आने की सोच रहा है, ऊपर आएगा, मार के तो दिखा। भाई मैं ना स्नीक कर लेता हूँ, ज़्यादा ना उछलता नहीं हूँ, पता चल रहा उछलने के कारण ही मैं खत्म हो जाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल के ये भी मर चुका है, और फिलहाल के लिए बहुत सारे इसने आयरन भी ड्रॉप कर लिया है। ओके, तो मैं फिलहाल के लिए फटाफट से इस घर के अंदर चल के यहाँ की चेस्ट लूट लेता हूँ सबसे पहले तो। और भाई कितना सारा एमराल्ड मिल गया, कितना एमराल्ड मिल गया, 3। भाई नाइस 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 नाइस, अब मैं उन विलेजर्स से ट्रेड कर सकता हूँ ब्रेड, ताकि वो लोग मुझे क्या है, हाँ ब्रेड दे सके। ठीक है, तो फिलहाल के मैंने यहाँ पे और भी थोड़ा सा ये ले लिया है हे बेल, ताकि पूरे स्पीड रन में हमें खाने की बिल्कुल चिंता ना हो। ओके, तो विलेजर फार्मर है कहीं, फार्मर ये भी ले लेता हूँ, इससे भी ले लूँगा थोड़ा एमराल्ड। ओके, वैसे कैरेट भी हम खा सकते हैं, जैसे मैं जितना मेरे को मालूम है। और मैंने ये सारा तोड़ लिया, इसे भी तोड़ लेता हूँ, अगर किसी के पास फार्मर की जॉब नहीं होगी तो उसे दे दूँगा। वैसे फिलहाल के सामने तो मुझे दिख चुका है एक फार्मर, इससे ट्रेड करते हैं हम ब्रेड। थैंक यू गाइस, अब आप मर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओहो बहुत ही ज़्यादा हे बेल मिल गया, पूरे माइनक्राफ्ट में तो दिक्कत ही नहीं है हमें कुछ उसकी फूड की। ये भी मैंने सारा सारा तोड़ दिया है भाई, कितना सारा है यहाँ, ये भी ले लिया और सारा ले लिया। और अब भाई ये क्या है, ये अंदर ही लगा रखा उसके, फिलहाल इससे मेरे को कोई नाता नहीं है। फटाफट से अपना वो लेता हूँ, क्या बोलते हैं, अबे यार क्यों लगे, हाँ इसी बहाने एक शील्ड और वाटर बकेट भी बना लेता हूँ। और अरे यार ये क्लासिक ना बहुत बेकार है, पॉकेट ही कर लेता हूँ, पॉकेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। टच नहीं, वीडियो में था वो। और ठीक है, अब ढूंढते हैं कहाँ है। हाँ मुझे क्या करना, शील्ड पहननी थी, शील्ड पहननी थी। और क्राफ्टिंग टेबल में कुछ बनाता, क्या बनाना था मुझे, हाँ है एवेल बनाना था। अभी इसको भी बनाने में 100 साल लगेंगे भाई, कोई बात नहीं, टाइम लेता है। और एक हेबल भी मैं बना के रखूँगा एक आध, क्योंकि नेदर में जब जाएंगे तो वहाँ वाटर बकेट होगी नहीं, तो इसलिए यही हमारे काम आएगी। ओके, तो एक वुडन एक्स भी मैं बना ही लेता हूँ इसी बहाने, और इसे हम रखते हैं अपने हॉट बार में, और इसे फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के और थोड़े बेड लेके हम फटाफट से चलते हैं। यहाँ का तो ले लिया था, चले चले सारे अंदर जाओ, सारे अंदर जाओ। चलो फिलहाल के मैं फटाफट यहाँ से भाग लेता हूँ, और जो नियरेस्ट हमारा वो था, क्या बोलते हैं,
प्रिजर आउटपोस्ट वहाँ चलते हैं, क्योंकि मेरे को प्रिजर आउटपोस्ट में वहाँ अंदर की लूट नहीं चाहिए, मुझे को सिर्फ और सिर्फ नेदर वो वहाँ चाहिए, क्योंकि वहाँ आयरन गोलम होते हैं, जो कि आयरन गोलम्स को मैं मार के बहुत सारा आयरन भी कलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे पास हैं कितने बेड हैं, सिर्फ दो ही है? तब तो भाई बहुत बेकार है, फटाफट से चलता हूँ लेने बेड्स। अरे यहाँ भी तो था मेरा एक बेड, वही मैं कहूँ मेरा तो तीन बेड थे, एक बेड कहाँ गया? वुड भी ले लेते हैं यार, बहुत सारी वुड, क्योंकि बहुत सारी बहुत कमी है, बस एक वुड एक ओक प्लैंक है मेरे पास, और भी कुछ और कुछ है ही नहीं। जल्दी चल, और कहाँ से लूँ मैं बेड? यहाँ पे दो तीन मकान दिख रहे हैं, तो यहाँ से तीन तीन हमारे पास हो जाएंगे बहुत आसानी से बेड, और इसी बहाने रात को सो भी जाते हैं हम, क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ गाइस, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आए तो उसे भी इग्नोर करना। यहाँ से ब्रेड ले लेता हूँ मैं बहुत सारा, एप्पल ले लेता हूँ, सैपलिंग्स तो कोई काम की नहीं है, सैपलिंग्स नहीं लेता, बाकी सारा सामान तो मैंने ले ही लिया यहाँ से, और बहुत सारे ना ये भी इकट्ठा कर लेता हूँ, कॉबल स्टोन, मतलब मैंने आयरन गोलम को मार लिया और मेरे पास अभी तक कॉबल स्टोन नहीं है। वाह भाई वाह, फिलहाल कहते इस सब को माइन कर लेता हूँ। ये कांच कहाँ से आ रहा है बीच में? ठीक, तो अभी फिर आके यहाँ से फटाफट से चलते हैं, यहाँ से ले लिया था शायद से मैंने बेड, ले लिया था ना? हाँ ले लिया था। अब क्या करते हैं हम नेरेश, कहाँ पिलेजर आउटपोस्ट चलते हैं? इधर ही कहीं साइड को था वो, अब मैं पता नहीं भूल चुका हूँ कि वो कहाँ है, बट मेरे को इतना तो याद है कि वो जो विलेज है ये रहा। अब मेरे को थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी गाइस, मतलब क्रिएटिव में नहीं जाऊँगा मैं, थोड़ी सी चीटिंग करके मुझे पीसफुल में जाना पड़ेगा, ताकि भाई अभी तो इतने पावरफुल हम हुए हैं नहीं कि क्या मतलब हमें वो मतलब बहुत सारे वो क्या बोलते हैं बहुत सारे पिलेजर आउटपोस्ट पिलेजर हमें मारे, तो फटाफट से इसे मार लेते हैं। थोड़ा पीछे आओ, और अब क्रिटिकल्स मारते रहेंगे उसके, पूरा ये ख़त्म ही हो जाएगा मेरी एक्स तो। प्लीज मर जा, यस थैंक्स। अभी बाहर चलते हैं, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, बट इससे पहले मैं ऊपर चलता हूँ और ऊपर चल के देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा सा होगा तो ऊपर जाके ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो वापस से नीचे आ जाएंगे और ले लेंगे हम। यहाँ पे वुड है, वुड ले लेता हूँ, और आयरन है, एरोज हैं, और वीट ले लेता हूँ, वीट ब्रेड बना लेंगे, कैरेट भी 64 हो चुके हैं मेरे पास। ओ भाई मुझे डैमेज ही नहीं पड़ा, वाह। इस साइड को था वो, फिलहाल मेरा क्राफ्टिंग टेबल दो, फिलहाल के लिए क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दो और क्राफ्ट कर लो एक एक्स और आ जाओ। ओ इसमें दो आयरन गोलम है,
पैसा ही पैसा होगा। 5 दे दियो यार, मजा ही आ जाएगा 5 दे देगा तो। अभी मेरे पास 5 है तो देखते हैं, अगर 5 देगा तो 10 हो जाएंगे फिर। भाई सबने 5 दिए, वाओ अमेजिंग। और अभी हम क्या बनाएं, वुड बना लेता हूँ ना पहले मैं, क्योंकि वुड से ही सारा सामान बनता है। और डार्क ओक वुड और स्टिक्स, और फिलहाल के इसको तोड़ के हम चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पर। क्या उड़ी बाबा, भाई अभी नीचे गिर जाता हूँ मैं। और ये हमारा फिलहाल से नियरेस्ट लावा पूल। और जैसे कि आपको लास्ट टाइम पता ही था कि कैसे मरे थे, तो इस बार वैसे नहीं मरने वाला मैं, ठीक है। और फिलहाल मुझे बहुत सारी ब्लॉक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रख के आयरन की शवल बना लेता हूँ। आयरन की शॉवल, और इससे बहुत तेज माइन हो जाएगा हमारा, बहुत सारी डर्ट। भाई ये तो एफिशिएंसी की भी इसमें ज़रूरत है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी तो नेदरराइट एक्स की तरह ही काम करेगी। ओके इधर 64 डर्ट ब्लॉक्स मेरे पास हो चुके हैं भाई, आराम से जाऊंगा मैं आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, भाई ये शील्ड लटा दिया है, सबसे पहले शील्ड को यहाँ पर रख दो। और पानी की बकेट तो मेरे हैंड में है ही। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखना है, फिर ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये लेना है, लेना है, लेना है, रखना है। और फिलहाल के मेरे को बाकी तो आता है नहीं, मतलब इतना ही आता है कैसे हम बनाते हैं लावा पूल, तो बाकी का तो मैं अपनी ट्रिक से ही करूँगा, जो कि पूरा पहले ना यहाँ कवर कर देता हूँ। ताकि कहीं से भी वाटर हमारा लावा के ऊपर ना जा सके। और फिर हमें क्या करना है, पानी की बकेट लेनी है, इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। और अब हम चलते हैं सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ से लावा तो आ जाता है ना हैंड में। हाँ चलो, अरे भाई ग्लिच हो रहा है क्या, एक ब्लॉक नीचे जाना पड़ेगा। नहीं ये वाला भाई, अभी तो मैं ये वाला माइन कर देता हूँ। यहाँ से लावा लेना है, फिर कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, फिर लावा लेना है, यहाँ रखना है, लावा लेना है, यहाँ रखना है, लावा लेना है, लावा लेना है, यहाँ रखना है, लावा लेना है, और इसे लगा देना है हमें यहाँ ऊपर पे, यहाँ पे। और बाकी अब लेफ्ट राइट से चलते हैं हम, यहाँ से भी ले सकते हैं ना हम तो। ओ शिट, पहुँच गया भाई। अगर वहाँ पे से लावा पूल का रास्ता खुलता ना भाई, तब तो धमाल ही मच जाता। पहले ना इसे को नहीं यहाँ पे रखते हैं जरा, इसको कलेक्ट करके यहाँ रखना है। नहीं इसे यहाँ पे नहीं रखना, इसे मैं एक कोने वाले ब्लॉक में रख देता हूँ यहाँ पे। अब लावा लेना है,
और इसे यहाँ पे लगा देना है यहाँ पे, और एक और लावा लेना है और इसे लगा देना है यहाँ पे। वाटर बकेट लेनी है। क्या हो गया भाई, घुस ही जाना अंदर, चल यहाँ। ओके, तो बड़ा सा हमने बना लिया है। अब फ्लिंट कहाँ से लाएंगे हम? अब फ्लिंट ढूंढने में भी एक आध साल लगेगा। कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं, नीचे में मिल तो जाएगा ये फ्लिंट कहीं ना कहीं। तो और एक पिकेस बना लेता हूँ मैं माइंग करने के लिए। यहाँ कहीं है क्या? तो यार प्लीज मिल जाना फ्लिंट। अरे मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ यहाँ, उस वाली माइन में मिल तो जाएगा आसानी से। थोड़ा नीचे, ओके, तो यहाँ पे आ गए हम। पानी को कलेक्ट करना है। नहीं 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 उधर नहीं भेजना। और अब कहाँ गई वाली, क्या थी वो केव, कहाँ गई? इसी साइड को थी, कहीं ऊपर तो नहीं थी शायद से, इधर की साइड से आया था ना मैं पिलेजर आउटपोस्ट की, तो उसी साइड से होगी ये रही। अब यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ तो बहुत आसानी से। अबे भाई इससे अच्छा तो मैं खुद ही माइन कर लेता, यहाँ पे भी नहीं है। अब कहाँ ढूंढूँ मैं इसे? यार कोई केव वेव मिल जाती तो बढ़िया रहता। इसे डाला यहाँ पे, जल्दी आ जा। यार कहाँ, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा फ्लिंट, इसमें भी पूरी रात लग जाएगी। फिलहाल के तो सो जाते हैं पहले। तो अभी 2 दिन हो चुके हैं माइनक्राफ्ट के, हमें इस पे हम स्पीड रन करने में, अभी तो मतलब अभी तो हमने 20% ही स्पीड रन करा है मेरे हिसाब से फिलहाल कर। तो यहाँ पे भी है एक केव वैसे तो, ये तो बहुत डीप जाती है, वहाँ पे मेरे को ग्रेवल दिख भी चुकी है। नहीं बच गया, और यहाँ पर डाला, अब मिल जाइए भाई फ्लिंट। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अब कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, फेंको इसे फेंको। और अब फिलहाल के चलते हैं ऊपर। अब ये मत कहना कि मेरे पास आयरन नहीं होगा, आयरन तो भरपूर है। इसको रख के, इसे रखना है यहाँ पे, अभी वहीं पे हो गया, इसे रखना हमें यहाँ पे, अब सही है। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं हम। अरे नहीं उधर नहीं, सीधा, हाँ बस अब इसको रखना है सबसे टॉप वाले में। और अब हमारा स्पीड रन होने ही वाला, मतलब अब नेदर पोर्टल में जाएंगे तो हमारा 26% कंप्लीट हो जाएगा स्पीड रन। और हमें बनाना है फ्लिंट एंड स्टील, इसे रखना है अपने हॉट बार में। वाटर बकेट को रखना है यहाँ, लावा बकेट लेनी है। अबे ये क्या हो गया? अरे भाई दो तो मैंने करे ही नहीं, दो मैंने, वाह। जरा तो इस लावा बकेट को रखो यहाँ पे, वाटर बकेट को यहाँ पे, लावा बकेट को यहाँ, और एक लावा बकेट को यहाँ उठाया। जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, फ्लिंट एंड स्टील लाइट अप हो चुका है। अब ये लिया लावा, और फटाफट से चलते हैं नेदर पोर्टल में। शील्ड पहले मैं अपनी कैरी ऑन मतलब लगा लेता हूँ पहले शील्ड अपनी, और थोड़े आर्मर बना लेता हूँ मैं,
जितना आर्मर बन सकता है। पहले तो मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ, एक एक्स, अरे यार लेगिंग्स ही बन सकेगी। इसे यहाँ पे डाला और मैं तो पहले ना सब कुछ अरेंज कर लेता हूँ। गाइस तो मैंने बहुत सारी मतलब हद से ज़्यादा मैंने वो ले लिए, मतलब डर्ट देख सकते हैं पूरे 3 स्टैक, ठीक है, मतलब कितना सारा। ओ और थोड़ी डर्ट देखो कितना सारा मैंने वाइन करा, पूरा पूरा माइनक्राफ्ट ही खाली कर। अच्छा ये तो पूरी केव है और पूरे यहाँ से स्टार्ट करके आया था मैं, और मैंने सारा का सारा सामान अरेंज कर लिया है और जो फालतू सामान था उसे भी फेंक दिया है। फिलहाल ले लेते हैं हमने क्राफ्टिंग टेबल, और सारा सामान तो हो ही चुका है, ठीक है, इसे यहाँ पे रखते हैं और फिर चलते हैं सीधा नेदर में। एक सेकेंड, पहले पीसफुल हटा के नॉर्मल कर देते हैं। तो पहली बार मैं नेदर में आ चुका हूँ। ओ भाई तो इसने तो डरा ही दिया, और इसलिए मैं बहुत सारे ब्लॉक्स लाया था। अब यहाँ पे ना मुझे भाई कितने सारे कितना सब कुछ है यहाँ पे। अब मेरे पास आयरन तो 1% बचा नहीं है, तो ऐसा करता हूँ ना मैं ना थोड़े और पहले यहाँ के ना कोऑर्डिनेट्स पे ना रीड कर लेता हूँ। 23, 58, 15 नेदर पोर्टल कॉर्ड्स कोऑर्डिनेट्स 23, 58, 15 नेदर पोर्टल कॉर्ड्स, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ बेफिक्र होकर। अब मेरे को क्या ढूंढने हैं, ब्लेज और ढूंढनी है। उड़ी बाबा, अरे नहीं शिट, प्लीज़ जल्दी भाई मारियो मत यार शिट, भागना पड़ेगा तो मेरी बहुत हेल्थ चले जाएगी। जल्दी जल्दी बिल्डअप जल्दी भाग, नहीं शिट गया शिट हाफ हार्ट। अरे यार गाइस क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैंने रिस्पॉन पॉइंट पे सेट नहीं करा यार। अब मेरे को पूरा इतने जल्दी जाना पड़ेगा ना, मतलब मेरा सामान डिस्पॉन ना हो जाए, मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। और मैं तो भूल भी चुका हूँ कहाँ, मतलब कहाँ था वो, क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरे विलेजर आउटपोस्ट। बे यार शेर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा यार, क्या पड़ी थी मेरे को, ईजी में ही जा रही था, मारते तो नहीं यार। एक टाइम को जब हाफ आर्ट आया ना मैं सोच रहा था कूद जाऊँ आ गई, बट यार हेवेल से भी तो थोड़ा डैमेज पड़ता ही है। दिमाग में ये नहीं आया यार मैं पीसफुल मोड भी कर सकता हूँ। अबे यार अब क्या करूँ मैं यार, अब तो क्या ही भाई, नेदर रुइन पोर्टल भी है यहाँ तो भाई, इतना ज़्यादा बढ़िया ना, इतना ज़्यादा किसी ने सोची ना होगी ना सा, इतना ज़्यादा बढ़िया होगा मेरे साथ। ओके तो एक सेकेंड, मैंने पीसफुल भी कर लिया, अब जल्दी चल।